हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैमुअल लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इग्नू में कितने पासिंग मार्क्स चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए और आपके असाइनमेंट्स के लिए। यानी कि अगर आप इग्नू से किसी भी तरीके का कोर्स करते हैं, किसी भी तरीके का प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें आप जानते हैं कि आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो कंपलसरी होते हैं, साथ ही जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे कि अगर आप इग्नू से बैचलर डिग्री कर रहे हैं, आप अगर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी डिग्री जो है वो आपको तभी मिलेगी जब आप कंप्लीट कर लेंगे, जब आप थ्योरी एग्जाम्स में और अपने असाइनमेंट्स में सेपरेटली आप पास होंगे। यानी कि आपको एग्जाम्स में और आपके असाइनमेंट्स में दोनों में पास होना होगा, तब ही जाके जो आपकी डिग्री है वो आपको मिल पाएगी। अगर जैसा कि आपको लगता है कि अगर आप एग्जाम्स में पास हो गए हैं, वहीं आपके कुछ असाइनमेंट्स में आप फेल हो चुके हैं जिसमें आपके नंबर कम आए हों, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री मिल जाएगी। फिर आपको अगेन अपने असाइनमेंट सेंड करने होंगे अपने स्टडी सेंटर को, और जब आप उस असाइनमेंट्स में पास हो जाएंगे और जब आप थ्योरी एग्जाम्स और अपने असाइनमेंट में दोनों में ही पास हो जाएंगे, तब जाके आपकी जो डिग्री है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इग्नू में किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जो उसमें हमारे असाइनमेंट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। फिर चाहे वो आप किसी भी तरीके का कोर्स कर रहे हो, बैचलर हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसमें आपके जो असाइनमेंट्स बनाना वो कंपलसरी है और आपको ये असाइनमेंट्स अपने स्टडी सेंटर पर आपको सबमिट करने होते हैं। तो जो आपका असाइनमेंट है ये आपका 100 मार्क्स का होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और इसमें आपको पासिंग मार्क्स 40 चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। तो अगर आपके असाइनमेंट्स में 40 मार्क्स आते हैं, तभी जाके आप जो अपने असाइनमेंट्स में पास हो पाते हैं। और साथ ही ये सभी एकेडमिक कोर्सेज के लिए इग्नू में ये सेम मार्क्स हैं कि आपको सभी अपने कोर्सेज में, सभी अपने प्रोग्राम्स में आपको 100 में से 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए असाइनमेंट के लिए। सो इफ यू वांट टू पास आउट इन इग्नू असाइनमेंट्स, देन यू मस्ट हैव 40 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके 40 मार्क्स नहीं आते हैं, आपके 40 से कम मार्क्स आते हैं, तो आपको वही अपने असाइनमेंट्स अगेन सबमिट करने होंगे जिसमें आपके 40 से कम मार्क्स आए हैं। तो जैसा कि अगर आप बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं इग्नू से, तो उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए वो आपको पता लगेगा। तो जैसे कि अगर आपका 25 मार्क्स का एग्जाम है, अगर आप बैचलर डिग्री का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो 25 मार्क्स का है, तो उसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 9, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं अगर आपका 50 मार्क्स का कोई एग्जाम है, तो आपको उसमें पास होने के लिए आपको 18 मार्क्स चाहिए, तब जाके आप उस एग्जाम में पास हो पाएंगे। वहीं ऐसे काफी एग्जाम्स हैं जो 100 मार्क्स के भी होते हैं बैचलर डिग्री में, तो आपको उन एग्जाम्स के लिए पासिंग मार्क्स आपको 35 चाहिए आउट ऑफ 100। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक आपका MT4 का ये एक एग्जाम होता है जो कि 2 ग्रेड का होता है, वहीं आपका MT5 का भी एग्जाम होता है 2 ग्रेड्स का, जो आपका 25 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें आपको पासिंग मार्क्स 9 चाहिए होते हैं। वहीं आपका BCO001, आपका BHDF101, ऐसे कई और भी एग्जाम्स होते हैं जो आपके 50 मार्क्स के एग्जाम होते हैं जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 18 चाहिए होते हैं। वहीं आपका अगर FHS1 BGE101 का एग्जाम है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको पासिंग मार्क्स 35 चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, आप कभी मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो उसमें अगर आपका 50 मार्क्स का कोई एग्जाम है, तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। वहीं आपका अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो आपको पासिंग मार्क्स 40 चाहिए मास्टर डिग्री में। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, MPS001 का 8 क्रेडिट का, और वहीं आपका MLII 104 का जो एग्जाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो इसमें आपको 40 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स, आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम में, आप मास्टर डिग्री में आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वहीं अगर आप
पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो जिसमें कि आपका अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 40 मार्क्स चाहिए, और जिसमें अगर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपको उसमें आउट ऑफ 20 पासिंग मार्क्स चाहिए, तब जाके आप जो अपना एग्ज़ाम है क्लियर कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे मार्क्स गिवन इन ग्रेड कार्ड, यानी कि आपको किस परसेंटेज पे कितने मार्क्स में आपको कौन सा ग्रेड दिया जाता है। तो जैसे कि अगर आपको आपके रिजल्ट में आपके ग्रेड कार्ड में ए ग्रेड दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके 80% मार्क्स हैं या उससे अबव मार्क्स हैं, तब जाके आपको आपका ए ग्रेड दिया जाता है, जिसके लिए आपको 5 पॉइंट दिए जाते हैं। वहीं अगर आपको आपके रिजल्ट में बी ग्रेड मिलता है तो उसका मतलब होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से आपके 79.9% तक हैं, जिसका पॉइंट आपको 4 दिया जाता है। वहीं अगर आपका सी ग्रेड है तो यानी कि जब आपके मार्क्स आए हैं, जबकि परसेंटेज है वो आपके 50% से लेकर 59.9 है। वहीं अगर आपको ग्रेड कार्ड में डी दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपके मार्क्स जो है वो 40% से लेकर 49.9% तक आपके मार्क्स हैं। वहीं अगर आपको ई ग्रेड दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से भी कम हैं, तो अगर आपके 40 से भी कम मार्क्स आते हैं तब जाके आपको ई ग्रेड दिया जाता है, जिसके लिए आपको 1 पॉइंट दिया जाता है। तो इसी तरह से इग्नू में जो ग्रेड सिस्टम है वो यही है कि आपको इन परसेंटेज पे ये ग्रेड दिए जाते हैं, और साथ ही आपको आपके असाइनमेंट्स में, आपके एग्जाम्स में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये भी मैं आपको अभी दिखा ही चुकी हूँ, बता ही चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।